नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आम का अचार बनाऊंगी। ये अचार ऐसा है कि आप साल भर आराम से रख के खा सकते हैं, कुछ भी खराबी नहीं आएगी। अब चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये हम आम बाल्टी में रखे हुए हैं, थोड़ा धुल लेते हैं। अब इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। चलिए अब आम को हम काट लेते हैं। ये यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे गाछी निकाल देते हैं और ऐसे करके ये हम आम को काट ले रहे हैं। ये ऐसे ही काटना है। और ये देखिए, जो थोड़ा सा ये खराब है या कटा पीटा है, इसको हम हटा दे रहे हैं। इसको दूसरा काम में यूज कर लेंगे, खटाई ही बना डालेंगे। ऐसे ही हम काट ले रहे हैं। इसमें हल्का जाली पड़ी हुई है, ज़्यादा अभी जाली नहीं पड़ी। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छा आम है। और ये गोही को निकालते जा रहे हैं। ये देखिए, ये हम एक आम में ये चार फांकी कर रहे हैं। ऐसे ही हम ये आम को काट के रख ले रहे हैं, पूरा आम। ये देखिए, ये देखिए आम हम काट लिए हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए धूप में डाल दे रहे हैं। हल्का जो इसमें पानी है, नमी है, इस ये सूख जाए। ये देखिए, ये आम का अब पानी सूख गया है। अब हम इसमें हल्दी और नमक लगा के रख देंगे। ये देखिए, एक चम्मच हल्दी डाल दिए, आधा चम्मच और डाल दे रहे हैं। डेढ़ चम्मच हल्दी डाले हैं और अब नमक डालेंगे हम। नमक हम 3 चम्मच डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, ऐसे मिला के हमको अच्छे से, और इसको एक डिब्बे में हमको भर के रख देना है। ये देखिए, ये नमक हल्दी जो बची हुई है, हम यही डिब्बे में डाल दे रहे हैं। अब ये हम डिब्बे को 3 दिन के लिए बंद करके रखा रहने देंगे, अंदर ही रख देंगे। और एक दिन के बाद दूसरे दिन बस हमको ऐसे ऐसे करके हिला देना है, बस केवल। फिर हमको तीसरे दिन इसको निकालना है। अब चलिए फिर 3 दिन बाद देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, 3 दिन हो गया है। अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें जो पानी है, ये ऐसे हम छलनी लिए हैं, इसी में उड़ेल दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, निकाल लिए हैं। अब इसको हम एक बोरी में फैला देंगे। ऐसे ऐसे करके सब फैला देंगे और 2-3 दिन तक पंखे के नीचे ही रखेंगे। हमको धूप में इसको नहीं फैलाना है। अब 3 दिन तक हम पड़ा रहने देंगे ऐसे ही इसको। ये देखिए दोस्तों, ये जो आम का पानी निकला है, हम इसको यही डिब्बे में भर के रख दे रहे हैं। जब हम अचार बनाएंगे तब इसको डालेंगे और इसको हम
तीन दिन के बाद अब देखेंगे, पंखे के नीचे सूखने देंगे, थोड़ा सूख जाएगा तब हम अचार बनाएंगे। ये देखिए 3 दिन हो गया है, ये देखिए अच्छे से सूख गया है। अब इसको एक बर्तन में हम रख ले रहे हैं। ये देखिए अचार के लिए हम क्या क्या मसाला लिए हैं, ये धनिया लिए हैं खड़ी, और ये राई लिए हैं, और ये गरम मसाला लिए हैं, तेल, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और ये जो आम का तोड़ बचा हुआ था उसको लिए हैं। अब चलिए सबसे पहले ये मसाला को हम धनिया पाउडर और ये गरम मसाला और ये राई सबसे पहले हम भून के पीस लेते हैं। ये देखिए गैस पे हम कढ़ाई रख दिए हैं, सबसे पहले ये गरम मसाला भून लेंगे। राई को भी भून लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए राई भी हमारी भून गई है, अब इसको भी निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। अब हम ये खड़ी धनिया भी भून ले रहे हैं। इसको भी 1-2 मिनट तक भून लेंगे धनिया भी। ये देखिए धनिया भी हमारी भून गई है, अब इसको भी हम निकाल ले रहे हैं। अब हम ये तेल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे और इसी में हल्दी पाउडर भी डाल देंगे 1 चम्मच। ये देखिए इसी में हम डाल दे रहे हैं, ये भी अच्छे से पक जाए हल्दी भी। ये देखिए तेल भी गर्म हो गया, अब गैस को हम बंद कर दे रहे हैं। तेल हमारा तब तक ठंडा हो रहा है और हम इसको ये मसाले को हम पीस ले रहे हैं तब तक। ये देखिए मसाला हम सब मिला के अच्छे से पीस लिए हैं, हमको थोड़ा दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। ये हम सबसे पहले इसमें मसाला डाल देंगे, हमको जितना ज़रूरत है उतना ही डालेंगे। ये देखिए इतना हम बचा लिए हैं, ज़्यादा है। लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, आप तीखा जैसे खाते हैं वैसे डालिए, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक 2 चम्मच डालेंगे क्योंकि उसमें भी हम डाले हुए हैं एक बार पहले। और ये अब हम तेल जो गरम किए थे इसको भी डाल दे रहे हैं। और ये देखिए ये जो आम का तोड़ बचा हुआ था इसको भी इसी में डाल दे रहे हैं, हमको ज़्यादा लग रहा है हम इसीलिए बचा ले रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे अचार बनाने से आप साल भर आराम से रख के खा सकते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। मसाला हम थोड़ा सा और डाले दे रहे हैं। ये देखिए अचार बनके तैयार हो गया है, अब हम इसको एक डिब्बे में भर के रख दे रहे हैं।
ये अचार एक हफ्ते बाद खूब अच्छे से खाने लायक हो जाएगा, गल जाएगा। ये मसाला जो बचा हुआ है इसको भी हम इसी में डाले दे रहे हैं। ये देखिए अचार को हम डिब्बे में भर के रख दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।